गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर 5 इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर वर्ड्स डैट डिस्क्राइब अ नेमिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किन को कहेंगे? जो नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा हमको जानकारी देते हैं। अच्छा, नेमिंग वर्ड्स क्या है? हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा है, नेमिंग वर्ड किसको कहते हैं? नाउन को। तो ठीक है, जितने भी नाउन को, नाउन की जो क्वालिटी बताने वाले होते हैं, उनकी विशेषता बताने वाले होते हैं, उनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। इन ग्रामर वी कॉल देम एडजेक्टिव्स। ग्रामर में हम उनको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव्स, मतलब विशेषण। एडजेक्टिव का मीनिंग ही होता है विशेषण। तो जब कोई शब्द किसी संज्ञा की, या फिर आप कह सकते हैं नाउन की विशेषता बताते हैं, उसको हम कहेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या फिर एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखिए, आपको पिक्चर के साथ यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। अ टॉल गर्ल, ठीक है, ये एक लड़की है, बट कैसी है ये? टॉल है, लंबी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अ टॉल गर्ल। अ फैट बॉय, ये एक लड़का है, पर ये कैसा है? इसके साथ में हमने क्या ऐड किया है? फैट। फैट मतलब होता है मोटा, एक मोटा लड़का। अ लवली फ्लावर, एक फूल है, बट वो कैसा है? बहुत ही सुंदर है, एक सुंदर फूल। तो ये जो टॉल है, फैट है, लवली है, ये तीनों क्या हो गए? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए। इन्होंने नाउन की और थोड़ी क्वालिटी बता दी, मतलब उसके बारे में बताया कि वो कैसे हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं वह कैसी है। नाउ यहाँ पर आपको कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, लर्न दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये आपको लर्न करना है। साथ में ये अपोजिट के साथ दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, बट एक के सामने एक का अपोजिट भी लिखा हुआ है। जैसे बिग, बिग का क्या होगा? स्मॉल। बिग मतलब बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा। जब भी कोई चीज़ बड़ी होती है, अगर उनको बड़ा बताना है, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे? बिग। और अगर छोटी है, तो हम उसके साथ क्या ऐड करेंगे? स्मॉल। फैट मोटा, थीन पतला, न्यू नया, ओल्ड पुराना, हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, हैप्पी खुश, सैड दुखी, ड्राई सूखा, वेट गीला, सॉफ्ट नर्म, हार्ड कड़क, लिटिल छोटा, बिग बड़ा, रिच अमीर, पुअर गरीब, हार्ड कड़क, सॉफ्ट मुलायम, फर्स्ट शुरू, लास्ट आखिरी, लेफ्ट उल्टा, राइट सीधा, गुड अच्छा, बैड बुरा, क्लीन साफ, डर्टी गंदा, राइट सही, रॉन्ग गलत, लवली प्यारा, अगली बदसूरत, यंग जवान, ओल्ड बूढ़ा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जिनके मैंने आपको मीनिंग बताए हैं, ये क्या बताते हैं? किसी भी नाउन की क्वालिटी बताते हैं, ये उसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो ये अपोजिट के साथ दिए हुए हैं, इनको आपको लर्न करना है। साथ में जो कलर्स नेम होते हैं, वो भी किसी चीज़ का कलर बताते हैं ना, कि कोई चीज़ वाइट है, ब्लैक है। ओके, वाइट, ब्लू, येलो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन, पिंक। हम बोलते हैं ना, ये पिंक कलर का फ्लावर है, या फिर ये रेड कलर की ड्रेस है, ब्राउन कलर के शूज़ है, तो वो इसकी क्या बता देते हैं? विशेषता बता देते हैं, उसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि यह कैसी दिख रही है। ओके, तो नाउ कम ऑन पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज है आपकी, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी हुई हैं और ये जो थिंग्स हैं उनके नेम आपको दिए हुए हैं। अब आपको फिलअप्स में ये फिल करना है कि ये जो थिंग्स है वो किस तरह की है। साथ में आपको हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में हमको क्या दिख रही है? एक गर्ल दिख रही है। तो गर्ल कैसी दिख रही है हमको? लंबी। तो हम क्या लिखेंगे? अ टॉल गर्ल। ओके, इधर जहाँ टॉल है वहाँ पे मैं वन नंबर डाल देती हूँ। नेक्स्ट बॉय कैसा दिख रहा है आपको? शॉर्ट, छोटा। तो आप क्या लिखेंगे? अ शॉर्ट बॉय, ठीक है। चिड़िया कैसी दिख रही है? कैसा कलर दिख रहा है चिड़िया का? ब्लैक। अ ब्लैक बर्ड, अ ब्लैक बर्ड। ट्री, ट्री कैसे कलर का दिख रहा है हमको?
कलर तो यहाँ नहीं दिया है ग्रीन कलर, तो हमको ट्री कैसा दिख रहा है? बिग, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अ बिग ट्री, एक बड़ा पेड़। और डैश लेडी, लेडी कैसी दिख रही है आपको? सुंदर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? अ लवली लेडी। ये जो लेडी है बेटा, ये बहुत ही रिच दिख रही है, मतलब अमीर दिख रही है, इसने बहुत सारी चीज़ें पहनी हुई है, तो लेडी के लिए हम लवली नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रिच, अ रिच लेडी, ठीक है, एक अमीर महिला। नाउ नेक्स्ट है 6 नंबर पर, शर्ट है। शर्ट कैसी दिख रही है यहाँ पर? सूखती हुई है ना, आपको यहाँ पर शर्ट में से पानी आपको दिख रहा है यहाँ पर, मतलब एक इसको सुखाया है एक तार पे, लेकिन ये गीली है, तो वेट, वेट मतलब होता है गीला, तो आप क्या लिखेंगे? अ वेट शर्ट। मैंने 5 तक यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी के साइड में हेल्पिंग बॉक्स में नंबरिंग किए हैं, तो ये मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद ये पूरा आपको वीडियो में दिखा दूंगी, तो आप ये नंबरिंग से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। नंबर 7 पर जो चाइल्ड है वो कैसा दिख रहा है? लवली, ये बहुत सुंदर दिख रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? अ लवली चाइल्ड। नंबर 8 पर ये जो चेहरा बना हुआ है, ये कैसा बना हुआ है? बहुत ही बदसूरत है, अगली है, तो लिखेंगे अ अगली फेस, एन अगली फेस, क्योंकि यू क्या है? वॉवल है, और अ से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगेगा उसके पहले, एन अगली फेस। ये जो जेंटलमैन है, ये कैसे दिख रहे? ओल्ड, ठीक है, ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक, तो हम क्या लिखेंगे? अ कोल्ड ड्रिंक। ये जो फ्लावर है, ये कैसे कलर का दिख रहा है? रेड, अ रेड फ्लावर। और ये जो लास्ट में जो दिख रही है आपको, टीचर, तो इसके लिए आप गुड यूज़ करेंगे, अ गुड टीचर, एक अच्छी शिक्षिका। तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ नीचे अब आप हेल्पिंग बॉक्स देख लीजिए। ये हेल्पिंग बॉक्स में मैंने 1 से लेके पूरे 12 तक की नंबरिंग कर दी है, और इसी में से आपको इधर भी क्या करना है, इनको स्पेलिंग्स को फिल करना है, और साथ में उसको ये जो स्पेलिंग्स हैं इनको आप लर्न भी करेंगे। तो यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है, इसको आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे। नाउ कम ऑन पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पर आपकी एक्सरसाइज है बेटा, एड द गिवन वर्ड टू ईच सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हुए हैं आपको, वर्ड्स गिवन दिए हुए हैं, उसको आपको ऐड करना है। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको साथ में दिए हुए हैं थिंग्स के लिए, उसको आपको ऐड करके लिखना है। जैसे फर्स्ट है माइंड द यूज़ ऑफ ए और एन, ठीक है, ए और एन का यूज़ आप करेंगे। अगर जो भी वर्ड्स दिया है हम चेंज करेंगे सेंटेंस को, तो अगर उसके पहले एन आना है तो एन, और अगर ए आना है तो ए। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ फ्लावर, फर्स्ट यहाँ पर आपको करके दिया है, और साइड में दिया हुआ है कि रेड, जो फ्लावर है वो कैसा है? रेड है, तो हम क्या कर देंगे? दिस इज अ रेड फ्लावर। फ्लावर के पहले क्या ऐड कर दिया? उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड रेड। ये उसकी विशेषता बता रहा है कि जो फूल है वो लाल कलर का है। दिस इज एन एप्पल, ये जो एप्पल है वो कैसा है? बिग है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज, अब एप्पल के साथ एन लगा है पर बिग के साथ एन नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो दिस इज अ आ जाएगा, बिग एप्पल, यह एक बड़ा एप्पल है। सिमी इज़ अ गर्ल, सिमी एक लड़की है, बट उसकी विशेषता दी हुई है कि वो कैसी है? थिन, ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या दिया है आपको? थिन, वह पतली है, तो आप क्या लिखेंगे? सिमी इज अ थिन गर्ल। अब बाकी मैं आपको ओरली बता रही हूँ, आपको कंप्लीट करना है, बुक में ही कंप्लीट करेंगे आप। मनु इज अ बॉय, है ना, ब्रैकेट में दिया आपको फैट, मनु कैसा लड़का दिख रहा है? फैट, तो आप क्या लिखेंगे? मनु इज अ फैट बॉय, ठीक है, बॉय के पहले सिर्फ आपको फैट लगाना है, मनु इज अ फैट बॉय, और यहाँ पर आप लिखेंगे। लीला इज अ वुमन, लीला एक महिला है, बट वो कैसी है? ओल्ड है, तो लीला इज एन ओल्ड वुमन। ओल्ड के पहले यहाँ पर वॉवल है, तो आप ए का यूज़ नहीं करेंगे, आप एन का यूज़ करेंगे। ओके, लीला इज़ एन ओल्ड वुमेन। ही इज़ अ मैन, यह जो मैन है, आदमी है, कैसा दिख रहा है? अगली, अगली दिया हुआ है इसके लिए वर्ड, तो आप क्या लिखेंगे? ही इज़ एन अगली मैन, ठीक है, अगली के पहले भी आप क्या आएंगे यहाँ पर? एन, ही इज़ एन अगली मैन। टॉनी हैज़ अ
डॉग, इसके पास डॉग है और कैसा है, लवली है, तो टॉनी हैज अ लवली डॉग. द फॉक्स इज एन एनिमल, ठीक है, एनिमल के पहले एन आता है बट यहाँ पर क्लेवर दिया हुआ है, तो दिस फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल, ठीक है, क्लेवर के पहले ए आएगा, यहाँ पर एन नहीं आएगा. द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल, ठीक है, चतुर लोमड़ी, जो लोमड़ी है वो एक चतुर जानवर है, तो ये इसकी विशेषता हो गई. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की डिस्क्राइबिंग वर्ड्स से उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं. तो आज हम इस चैप्टर को यहीं तक करेंगे. दोनों एक्सरसाइज आपको बुक में कंप्लीट करना है, पेज नंबर 35 और 36, दोनों आप यहाँ तक कंप्लीट करके रखेंगे. थैंक यू.